सोमवार को मुरादाबाद के सिविलाइनी स्थित अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा अन्य मांगों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ में भी कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अपनी मांगे पूरी कराए जाने का कार्य करेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताते हुए कहा, योगेश तिवारी आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज क्या नया ये कार्यक्रम नहीं है, 29 अक्टूबर से हम लोग पुरानी पेंशन बाहरी चेतना यात्रा लेकर के सभी घटक संगठन लखनऊ के जीपीओ से शुरू होकर के पूरा पूर्वांचल बुंदेलखंड मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए आज सरसठवां जिला मुरादाबाद में प्रवेश किया है और इस उद्देश्य को लेकर प्रवेश किया है कि पुरानी पेंशन बाहरी जन जागरण चेतना यात्रा के माध्यम से हम समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम व्यापारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मजदूरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पत्रकार बंधुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी जी, आज अगर आप लोग नहीं जगे तो कल को आपका बच्चा जो हमारे विद्यालयों में पढ़ करके सरकारी सेवा में आएगा उसको भी पुरानी पेंशन प्राप्त नहीं होगी, वो भी खाली हाथ, उसके सामने भी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा जब सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? नहीं तो ये जनजागरण के माध्यम से ही तो मैं सरकार के विरुद्ध एक समाज में चेतना लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर सरकार ने हमारी इस मांग को नहीं माना तो हम 20 अक्टूबर को जो इको गार्डन लखनऊ में रैली कर रहे हैं वहाँ पर एक निर्णय लेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना तो 2019 के आने वाले चुनाव में कठोर निर्णय लेने के लिए, विपरीत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब तक कितने जिलों में आप कार्यक्रम कर चुके? 67वां जिला आज मुरादाबाद है। मैं अभी पिछले जनपद बिजनौर से अमरोहा से आ रहा हूँ और मुरादाबाद आज रात में शाम है, कल हमारी यात्रा संभल जाएगी।